मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स के लोगो में पृथ्वी से लिपटी हुई एक लोमड़ी नजर आती है। ब्राउजर का ओरिजिनल लोगो 2002 में डिजाइन किया गया था। इस लोगो में एक फीनिक्स परिंदा आग की लपटों से बाहर निकल रहा था। उस समय इस ब्राउजर का नाम मोज़िला फ़ायरबर्ड था। दो साल बाद इसका नाम बदलकर फ़ायरफ़ॉक्स रख दिया गया। यह रेड पैंडा का अंग्रेजी निक नेम है। यह एशिया का एक रेयर और प्रोटेक्टेड जानवर है। टॉब्लेरॉन के मशहूर लोगों में एक भालू नजर आता है जो अपने पिछले पैरों पर खड़ा है। ये पहाड़ जैसे दिखने वाले चॉकलेट बार एमिल बॉमन और थियोडोर टॉब्लर ने स्विस राजधानी बर्न में बनाया था। इसका निकनेम सिटी ऑफ बेयर्स रखा गया था और इसके कोट ऑफ आर्म्स पर एक भालू को फीचर किया गया है। इसलिए इस जानवर को मैटरहॉर्न माउंटेन की इमेज में फीचर किया गया है जिसे ये लोगो इंस्पायर्ड है। वेंडीज के लोगो में जिस खुश मिजाज लड़की की तस्वीर है वो फास्ट फूड चेन के क्रिएटर डेव थॉमस की बेटी से इंस्पायर्ड है। वेंडी उसका निकनेम है। अगर आप करीब से देखें तो इसके कॉलर पर आपको मॉम शब्द लिखा नजर आएगा। पता नहीं ये जानबूझ के किया गया था या नहीं, लेकिन इस वजह से रेस्तरां में आने वाले लोगों को यहाँ घर जैसा अपनापन महसूस होता है। आईफोन के एडवर्टीजमेंट का टाइम सुबह 9:41 तय किया गया है, लेकिन इसकी भी एक वजह है। 2007 में स्टीव जॉब्स ने पहली बार सुबह ठीक 9:41 पर 41 मिनट के प्रेजेंटेशन के बाद लोगों के सामने आईफोन पेश किया था। पहला एप्पल लोगो 1976 में डिजाइन किया गया था और इसमें सर आइज़क न्यूटन को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाया गया था जिनके सिर के ऊपर एक सेब गिर रहा था। ये लोगो बहुत ही मुश्किल था और लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए स्टीव जॉब्स इसे बदलना चाहते थे। नए लोगों के डिजाइनर रॉब यानोफ ने इसे वो लुक दिया जो हमें आज नजर आता है। ये ओरिजिनल लोगों से काफी मिलता है, लेकिन उनका मकसद इसे और भी ज्यादा आसान बनाना था। उन्होंने इसमें बाइट या सेब के खाए हुए हिस्से को भी दिखाया ताकि लोग इसे चेरी, पीच या कोई दूसरा डंठल वाला गोल फल न समझें। अनजाने में उन्होंने इस लोगो में एक मजेदार शब्द जोड़ दिया। बाइट शब्द कंप्यूटर वाले बाइट जैसा लगता है। टोयोटा का लोगो ग्राहकों और कंपनी के दिलों के मिलन को दिखाता है। दो ओवरलैपिंग ओवल्स का मतलब अंग्रेजी अक्षर टी और स्टीयरिंग व्हील है। बाहरी ओवल उस दुनिया को दर्शाता है जिसने टोयोटा को गले लगाया है। इसका बैकग्राउंड कंपनी की अहमियत, अच्छी क्वालिटी, मजेदार ड्राइविंग, सेफ्टी में इनोवेशन और इंटेग्रिटी, एनवायरमेंट और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस काफी महंगा था क्योंकि मिशन काफी खतरनाक था जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता था। एस्ट्रोनॉट्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सैकड़ों कवर्स पर सिग्नेचर किए जिन्हें उनके परिवार कुछ गलत होने पर कुछ बड़े खर्चों के लिए बेच सकते थे। स्निकर्स कैंडी बार को मार्स इनकॉर्पोरेशन के संस्थापक फ्रैंक मार्स ने बनाया था। ये पहले से ही मौजूद एक स्नैक से इंस्पायर्ड था जो नॉगट, मूंगफली और कैरमल से बना था। इसका नाम मार्स परिवार के घोड़े के नाम पर रखा गया था। 1990 तक इसे यूके में मैराथन कैंडी बार कहा जाता था। जैसे ही उन्होंने इसका नाम बदलकर स्निकर्स किया, ये ब्रिटेन में सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंडी बार से नंबर 3 पर चला गया। जब एनबीसी का लोगो बनाया गया था उस समय कलर टीवी क्रांतिकारी गैजेट थे। एनबीसी के रंगों के इंद्रधनुष वाले लोगो में यह साफ देखा जा सकता है, मोर एक मुहावरे को बयां करता है जो है एज प्राउड एज अ पीकॉक। इससे वो ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें अपने नए कलर सिस्टम पर गर्व है। पंखों के 6 अलग अलग रंग एनबीसी के 6 अलग अलग डिविजन्स को दर्शाते हैं। अमेज़न के लोगो में एक पीला तीर है जो ए से शुरू होता है और जेड पर खत्म होता है। इसका मतलब है कि आप अमेज़न से A to Z कुछ भी खरीद सकते हैं। ये एक मुस्कान की तरह भी लगता है जो अमेज़न के ग्राहकों की खुशी को दर्शाता है। इस बिजनेस का पहला नाम अमेज़न नहीं था बल्कि कैडबराइंग था। जेफ बेजोस ने अपनी वेबसाइट के अलग अलग नाम रखे और उनमें से एक relentless.com अभी भी अमेज़न की तरफ रीडायरेक्ट करता है। 1984 में पापा जॉन्स पिज्जा के सीईओ जॉन श्नाटर ने अपने पिता के साथ इंडियाना में एक बार के ब्रूम क्लॉजेट से अपना काम शुरू किया था। सालों के बाद अब यह 49 देशों में 5,500 रेस्तरां के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पिज्जा चेन है। बास्किन रॉबिन्स के 31 अलग अलग टेस्ट हैं और ये नंबर बी और आर अल्फाबेट के बीच में छिपा हुआ है। बी के कर्व में छिपा है 3 और आर में छिपा है 1। आप आज भी
दुनिया की सबसे पुरानी वेबसाइट द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट पर जा सकते हैं। यह 1991 में लाइव हुई थी और अब वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में एक हिस्टोरिकल आर्काइव की तरह काम करती है। इसमें एक भी तस्वीर नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है। वेब को यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न में काम करने वाले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में बनाया था। सुपरमार्केट में स्कैन किया गया पहला प्रोडक्ट रिगली जूस फ्रूट गम था, जिसके 10 पैक खरीदे गए थे, जिन्हें 1974 में ओहायो के ट्रॉय में स्कैन किया गया था। बारकोड को 1952 में बनाया और पेटेंट कराया गया था, लेकिन ये आइडिया तब मशहूर हुआ जब इसे बनाने वाले ने IBM के लिए काम करना शुरू किया। उस समय तक ग्रोसरी क्लर्क्स को हर चीज पर प्राइस स्टिकर लगाना पड़ता था, कैशियर उन टैक्स को पढ़ता और हाथ से कीमत को टाइप करता था। क्विक सिल्वर लोगो द ग्रेट वेव ऑफ कनागावा का कस्टमाइज वर्जन है, जो जापानी आर्टिस्ट होकुसाई का एक मशहूर वुड प्रिंट है। जब क्विक सिल्वर ने अपना बिजनेस बढ़ाया और औरतों का ब्रांड रॉक्सी शुरू किया, तो उन्होंने इसी लोगो को मिरर कर दिया ताकि ये एक दिल जैसा दिखे। 2010 तक देहाती इलाकों का ब्रॉडबैंड इंटरनेट इतना धीमा था कि कैरियर कबूतर भी इससे ज्यादा तेज थे। एक स्पीड टेस्ट में 80 किलोमीटर की दूरी के लिए कैरियर कबूतरों को USB स्टिक के साथ योर्कशायर फार्म में उड़ाया गया। कबूतरों ने 1.25 घंटे में अपनी रेस पूरी की। इस समय तक 300 MB की फाइल का केवल 24% ही अपलोड हो पाया था। पिकासा पर आप अपनी तस्वीरों को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन इसका लोगो एक साधा रंगीन कैमरा शटर से ज्यादा गहरा है। बीच की सफेद जगह में एक घर है, यानी वो कहना चाहते हैं कि ये आपकी तस्वीरों के लिए एक महफूज घर होगा। इसके नाम में एक घर या कासा भी मौजूद है और पी का मतलब है पिक्सेल। LG के लोगो में L और G मिलकर एक इंसानी शक्ल बनाते हैं। L नाक है और G चेहरे के बाकी हिस्से बनाता है। वो इसे फ्यूचर का चेहरा बताते हैं। आइडिया ये था कि इस लोगो को इंसानी लुक दिया जाए और इसे दोस्ताना बनाया जाए। कई टेक कंपनियां न्यूजीलैंड में अपने नए प्रोडक्ट टेस्ट करती हैं। ये इंग्लिश बोलने वाले लोगों का एक एथनिकली डाइवर्स देश है और सबसे जरूरी बात, ये काफी अलग थलग है। यहाँ प्रोडक्ट अगर फेल होता है तो इसकी खबर ज्यादा तेजी से नहीं फैलती है। जब रंगों और फॉन्ट की बात आती है तो फेडेक्स का लोगो आपको सादा लग सकता है, लेकिन ई और एक्स अक्षरों के बीच एक तीर छिपा है। ये स्पीड, एक्यूरेसी, परफेक्शन की चाह और मंजिल तक पहुंचने की ख्वाहिश को दर्शाता है। ऑडी के लोगो के 4 रिंग्स उन 4 कंपनियों से जुड़ी हैं जो इसे बनाने के लिए एक साथ आई थीं। ऑडी, DKW, हॉर्च और वॉन्डरर। बाद वाली कंपनी ने साइकिल ठीक करने की दुकान के तौर पर शुरुआत की थी। जिलेट कंपनी, जो अपने रेजर के लिए मशहूर है, वो चाहती थी कि उनका लोगो जितना हो सके उतना तेज और सटीक हो, इसलिए इसमें जी और आई के बीच एक कट लगा हुआ है जो एक दूसरे के टॉप पर ब्लेड जैसी शेप बनाते हैं। लोगो के काले और सफेद रंग प्रोडक्ट की एलिगेंस, प्योरिटी, प्रेस्टीज और एक्सेलेंस को दर्शाते हैं। कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी से डर लगता है, जिसे टेक्नोफोबिया कहते हैं। अब यह कंप्यूटर जैसे नए मुश्किल डिवाइसेस को लेकर होता है, लेकिन इसकी जड़ें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई हैं। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी, जब मजदूरों को डर था कि नई मशीनें उनकी नौकरी छीन लेंगी। गूगल ने कैलिफोर्निया की एक खास कंपनी से अपने लॉन की घास काटने के लिए बकरियों को किराए पर लिया था। वो लगभग 200 बकरियों को माउंटेन व्यू के गूगल हेडक्वार्टर में लेकर आए। सारी गैर जरूरी घास को खाने और जमीन को फर्टिलाइज करने में उन्हें 1 महीने का वक्त लगा। डोमिनोज के फाउंडर चाहते थे कि जितनी जगह पर डोमिनोज की शॉप खोली जाए उतने ही डॉट्स वे अपने लोगो में ऐड करते जाएं। लेकिन डोमिनोज इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इतने सारे डॉट्स ऐड करना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने 3 खास जगहों पर सिर्फ 3 डॉट्स रखने का फैसला किया। 2004 में @ कम से कम 60 सालों में पहली बार मोर्स कोड में जोड़ा जाने वाला नया कैरेक्टर बना। इसमें A और C के बीच में बिना किसी ब्रेक के सिग्नल्स होते हैं, तो जरूरत पड़ने पर आप अपने ईमेल को मोर्स कोड में लिख सकते हैं। अपने 150 साल के इतिहास में लेवाइस के पास 8 लोगो रीडिजाइन्स थे। पहले वाले को द 2-Horse Band कहा जाता था। इसमें काफी डिटेल थी। बैट विंग के तौर पर पहचाना जाने वाला मौजूदा लोगो 50 साल से भी ज्यादा पुराना है और लेवाइस जीन्स पर मिलने वाली जेब के आकार को दर्शाता है। इसका मकसद एक यूथफुल और टाइमलेस फील देना था। एवरनोट ऐप नोट स्टोर करता है और इसके लोगो पर एक हाथ ही मौजूद है,
क्योंकि एक कहावत है कि एक हाथी कभी नहीं भूलता। वैसे इन जानवरों की याददाश्त काफी अच्छी होती है। हाथी का कान पोस्टिट नोट की तरह घुमा हुआ है। युंडाई के लोगों में एच सिर्फ कंपनी के नाम को नहीं दर्शाता है, इसमें हाथ मिलाते हुए दो लोग छुपे हुए हैं। ये कंपनी और इसके कस्टमर्स के बीच के भरोसे को दर्शाता है। इस फिगर के चारों तरफ का ओवल युंडाई के दुनिया भर में छा जाने को दर्शाता है। सिल्वर कलर सोफिस्टिकेशन और परफेक्शन को दर्शाता है। इसका डिजिटल ब्लू वर्जन भरोसे और एक्सेलेंस को दर्शाता है। लकॉस्ट को अपना आइकॉनिक लोगो कंपनी के को फाउंडर और टेनिस खिलाड़ी रेने लकॉस्ट की बदौलत मिला था, जिसे फ्रेंच डेविस कप टीम के कप्तान के साथ बनाया गया था। कप्तान ने मैच जीतने पर लकॉस्ट को मगरमच्छ की खाल का सूट केस देने का वादा किया। लकॉस्ट जीत नहीं पाए, लेकिन इससे उन्हें मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल निकनेम मिला। उन्होंने अपने टेनिस कोर्ट ब्लेजर पर मगरमच्छ की कढ़ाई की हुई थी। जब उनके कपड़ों के ब्रांड को लॉन्च करना था तो मगरमच्छ एक आसान पसंद थी। ओरियोज दुनिया की सबसे मशहूर कुकी है, जिसमें हर साल 400 करोड़ से ज्यादा कुकीज का प्रोडक्शन होता है। ओरिजिनली वजन के आधार पर इन्हें लगभग 177 रुपए के 4 किलो के भाव पर बेचा गया था। हर कुकी पर दो बार क्रॉस के साथ एक सर्कल है, जो कि नेबिस्को का लोगो है। ये क्वालिटी का यूरोपियन सिंबल है। 1984 में जब माइकल डेल ने अपनी कंपनी शुरू की तो वे चाहते थे कि उनका बिजनेस सभी कानों यानी ईयर्स तक पहुंचे, और इसलिए कंपनी के लोगों का ई अक्षर टेढ़ा है। नीला रंग वफादारी, भरोसे, खुद पर यकीन और होशियारी को दर्शाता है। पहली मैकेनिकल अलार्म क्लॉक सिर्फ एक टाइम पर बजती थी, सुबह 4 बजे। इसे लिवाय हचिंस ने 1787 में कॉनकॉर्ड न्यू हैम्पशायर में बनाया था। हचिंस को एक ऐसा डिवाइस बनाना था जो उन्हें काम के लिए समय पर जगा सके। अलार्म घड़ियों का शुरुआती प्रोटोटाइप यूनानियों ने 250 ईसा पूर्व में बनाया था। उन्होंने रिंग करने के लिए राइजिंग वाटर का इस्तेमाल किया ताकि विसिल को काम में लाया जा सके। एयरबीएनबी का लोगो मुड़ी हुई पेपर क्लिप नहीं है, इसे बेलो कहा जाता है। यह एक इंसान का सिर है, एक लोकेशन का सिंबल है, एक पिन है और एक प्यार भरा दिल है। ये सिंबल साथ में मिलकर एयरबीएनबी का मशहूर ए बनाते हैं। 2006 में कतर टेलीकॉम ने एक चैरिटी नीलामी ऑर्गेनाइज की, जहां उन्होंने फोन नंबर 666666666 को एक गुमनाम बोली लगाने वाले को $2.75 मिलियन में बेच दिया। यह दुनिया का सबसे महंगा फोन नंबर बन गया है। सेगवे पोलो एक वैध खेल है, जिसमें दुनिया के सभी कोनों की फंक्शनल टीम्स हैं। इसके लिए किसी खास फिटनेस स्तर की जरूरत नहीं है, उम्र का कोई भी बंधन नहीं है और ये मशहूर हो रहा है। इस खेल में 8 मिनट के 4 सेक्शन होते हैं और इसमें एक खास हथौड़े का इस्तेमाल करके गेंद को गोल में पहुंचाना होता है। अगर आप टूर डी फ्रांस के लोगों को करीब से देखें तो आपको नजर आएगा कि ओ यू और आर में एक साइकिल चलाने वाला छिपा हुआ है। यहाँ एक और मैसेज भी है जो कि पीले गोले में है और रेस की स्टेज को दर्शाता है, जो सिर्फ दिन के दौरान होती है। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम वो होता है जब आप सोचते हैं कि आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इस बात का साइन हो सकता है कि आप अपने फोन से ज्यादा जुड़े हुए हैं। सोनी वायो का लोगो अपने प्रोडक्ट में एनालॉग और डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को सिंबलाइज करता है। वी और ए लेटर एक एनालॉग वेव की तरह नजर आते हैं। आई और ओ लेटर नंबर 1 और 0 के समान हैं, जो डिजिटल सिग्नल या बाइनरी कोड को दर्शाता है। ओरिजिनल एक्सबॉक्स में अपोलो स्पेस मिशन के एक्चुअल ट्रांसमिशन से साउंड बाइट्स को एडिट किया था। अगर आप इसे होम स्क्रीन पर छोड़ते हैं तो आपको मिशन की असली बातचीत सुनाई देगी। पिंटरेस्ट से आप अपने ऑनलाइन बोर्ड पर दिलचस्प स्टाफ को पिन कर सकते हैं। इसका लोगो भी यही दिखाता है। यहाँ पी में एक पिन डिजाइन छिपा हुआ है। पिन के आकार का पी पिंटरेस्ट की ब्रांडिंग का जरूरी हिस्सा है, जिसमें पिन की तरह लोग ज्यादा चीजों को पिन कर सकते हैं। पेप्सी ने अपना लोगो कई छिपे हुए मीनिंग्स के साथ डिजाइन करने के लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें फेंग शुई, द रेनेसेंस, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मोनालिसा, पार्थेनन के साथ कई दूसरी चीजें छिपी हुई हैं, और इसे यूनिवर्स की चाबी के तौर पर बनाया गया है। निंटेंडो को 1889 में कंप्यूटर से बहुत पहले एक प्लेइंग कार्ड कंपनी के तौर पर शुरू किया गया था। वे अभी भी जापान में प्लेइंग कार्ड का प्रोडक्शन करते हैं और यहाँ तक कि निंटेंडो कप नाम का एक ब्रिज टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। 1973 में
मोटोरोला के एक इंजीनियर ने न्यूयॉर्क शहर के 6th एवेन्यू से इतिहास का पहला फोन कॉल किया। उन्होंने बेल लेबोरेटरी से एक राइवल को कॉल करने के लिए एक किलो वजनी प्रोटोटाइप का इस्तेमाल किया। लाइन के दूसरी तरफ सन्नाटा था। फोन लगभग एक शू बॉक्स के आकार का था। इसके मालिक 35 घंटे बात कर सकते थे और ये रिचार्ज होने के लिए 10 घंटे लगाता था। इतिहास का पहला कमर्शियल टेक्स्ट मैसेज 3 दिसंबर 1992 को भेजा गया था और इसमें उन एम्प्लॉइज को छुट्टियों की मुबारकबाद दी गई थी जो वोडाफोन में काम करते थे। अब रोजाना भेजे जाने वाले मैसेज की औसत संख्या 6 अरब है। 1986 में एप्पल कपड़े बेचा करता था जिसे एप्पल कलेक्शन कहा जाता था। यह स्टीव जॉब्स के टेम्परेरी इस्तीफे के एक साल बाद शुरू किया गया था। इसका मकसद यह देखना था कि ब्रांडेड कपड़े, एक्सेसरीज और लाइफस्टाइल आइटम खरीदने के लिए उनके फैन कहां तक जा सकते थे। आईबीएम लोगो में हॉरिजॉन्टल लाइन उस समय की याद दिलाती है जब फोटोकॉपी में ठोस स्याही के बड़े ब्लॉक्स को रिप्रोड्यूस करने में दिक्कत होती थी। ओरिजिनली लोगो में 14 लाइंस होती थी लेकिन फिर उन्होंने इसे घटाकर 8 कर दिया क्योंकि प्रिंट मीडिया में 13 लाइंस के साथ स्याही से इंक फैलने की दिक्कत होती थी। एम के तल में सेरिफ पर एक इक्वल लाइन है जो ये दर्शाती है कि वो क्वालिटी की कद्र करते हैं। 5 मेगाबाइट डेटा का वजन 1 टन होता था। 1953 में आईबीएम की लैब में इंजीनियरों ने पहली हार्ड ड्राइव बनाई। इसे रखने वाली कैबिनेट का वजन 1000 किलोग्राम से ज्यादा था और यह सिर्फ 5 MB डेटा रख सकता था। मैकडॉनल्ड्स का लोगो सिर्फ लेटर एम नहीं है बल्कि ये रेस्तरा चेन के ओरिजिनल गोल्डन आर्चेस को भी दर्शाता है। उन्होंने महसूस किया कि लोग उन्हें हाईवे से अच्छी तरह देख पाएंगे और रुक जाएंगे। दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस 1964 में बनाया गया था और इसे XY पोजीशन इंडिकेटर फॉर डिस्प्ले सिस्टम कहा जाता था। ये रेगुलेटर था और ऊपर दाहिनी ओर एक छोटे से बटन के साथ लकड़ी से बना था। इसे बनाने वाले डग एंगलबार्ट ने इसे माउस कहा क्योंकि इसमें से निकलने वाला कॉर्ड चूहे की पूंछ की तरह नजर आता था। मित्सुबिशी मित्सु और हिशी का कॉम्बिनेशन है जिसका मतलब तीन और वाटर चेस्टनट है। जापानी इस शब्द का इस्तेमाल हीरे के आकार को दर्शाने के लिए करते हैं। अगर इसे मिला दें तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है 3 हीरे। NFL लोगो का ढाल आकार खेल मनोरंजन के हाईएस्ट स्टैंडर्ड के लिए लीग की कमिटमेंट को दर्शाता है। 8 सितारे वर्तमान में NFL में इस्तेमाल किए जाने वाले 8 डिविजन्स को दर्शाते हैं। ऑटो करेक्ट किया गया पहला शब्द था TEH। इसके लिए आपको लेफ्ट एरो और F3 दबाना होता था। नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के लोगो में N और W नेगेटिव स्पेस में हैं। सर्कल में मौजूद ट्रायंगल एक कंपास है जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ इशारा करता है। ये एयरलाइंस 1926 से 2010 तक उड़ान भरती रही, फिर ये डेल्टा में मर्ज हो गई। न्यूयॉर्क में बेथ इजराइल मेडिकल सेंटर की एक स्टडी से पता चला है कि सर्जन्स जो हर हफ्ते 3 घंटे से ज्यादा वीडियो गेम खेलकर बड़े हुए हैं वे 37% कम गलतियां करते हैं, 27% तेजी से काम करते हैं और सर्जिकल स्किल्स में 42% बेहतर स्कोर करते हैं। मर्सिडीज बेंज ब्रांड गॉटलीब डैमलर और कार्ल्स बेंज की कंपनियों के मर्ज होने से निकला हुआ प्रोडक्ट है। बेंज कंपनी का लोगो बेंज लेटर का था और एक लॉरल रीत से घिरा हुआ था। इसे 1909 में ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर किया गया था। डैमलर के पास लोगो के लिए मर्सिडीज स्टार था। जब 1925 में कंपनियों का विलय हुआ तो उन्हें बेंज के लॉरल रीत में डैमलर के मर्सिडीज स्टार का एक नया साझा लोगो मिला। स्टार के 3 पॉइंट्स होते हैं जो जमीन, समुद्र और हवा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 एनवायरमेंट्स हैं जिन्हें कंपनी ओरिजिनली डोमिनेट करना चाहती थी। K4 का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्रॉस रोड है और इसका 2 स्टाइलाइज तीर वाला लोगो असल में लॉजिकल है जो उन दिशाओं को दर्शाता है जिधर आप जा सकते हैं। इस लोगो पर लाल, नीले और सफेद रंग के फ्रेंच नेशनल कलर्स हैं और तीर के बीच में मौजूद सफेद जगह लेटर सी बनाती है। सैल्वाडोर डाली ने चुपा चप्स लॉलीपॉप का लोगो डिजाइन किया। आर्टिस्ट ने मौजूदा टेक्स्ट को रंगीन डेजी के आकार के बैकग्राउंड में रखा। वह चाहता था कि लोगो साइड से लॉलीपॉप रैपर के टॉप पर पहुंचे ताकि ये बरकरार रहे और खरीदारों को दिखाई दे। पहला कंप्यूटर वायरस 1971 में बनाया गया था और इसे क्रीपर प्रोग्राम नाम दिया गया था। इसे एक सिक्योरिटी टेस्ट के तौर पर यह देखने के लिए डिजाइन किया गया था कि यह कंप्यूटर्स के बीच कैसे फैलेगा। सैमसंग कंपनी 1 मार्च 1938 को एक किराने की दुकान के रूप में शुरू की गई थी।
और ये 1 अप्रैल 1976 को बनी एप्पल से 38 साल और 1 महीने पुरानी है। पहला फोन जनता के लिए 1874 में जारी किया गया था। इसे 50,000 लोगों के घरों में पहुंचने में 3 साल लग गए और 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 75 साल लग गए। रेडियो को इस नंबर तक पहुंचने में 38 साल लगे और टेलीविजन ने ये नंबर सिर्फ 13 साल में हासिल कर लिया। जब रंगों की बात आती है तो गूगल लोगो काफी बुनियादी लगता है, प्राइमरी लाल, पीला और नीला रंग, लेकिन उन्होंने हरा भी जोड़ा था जो प्राइमरी कलर स्कीम में अड़चन डालता था। यह दिखाना चाहते हैं कि गूगल एक इनोवेटर है और ऐसा कुछ नहीं करती जो सब करते हैं। साथ ही ये दूसरी कंपनियों से अलग है। शेल ऑयल की दिग्गज कंपनी 1904 से मौजूद है और इसका पीला लाल लोगो पिछले कुछ सालों में बहुत बदल गया है। ओरिजिनल वाले में एक पेक्टल शेल की ज्यादा रियलिस्टिक तस्वीर थी, अभी का लोगो ज्यादा स्टाइलाइज्ड है।